स्कैम 1992 और स्कूप जैसी धांसू वेब सीरीज के बाद अब हंसल मेहता एक बार फिर से नई कहानी के साथ आ गए हैं। हंसल मेहता की नई सीरीज स्कैम 2023 का ट्रेलर बीती देर रात सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया। द तेलगी स्टोरी में 30,000 करोड़ के पेपर स्टैम्प घोटाले की कहानी को दिखाया गया है। देश को झकझोर देने वाले घोटाले की कहानी OTT प्लेटफॉर्म पर 2 सितंबर से देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि द तेलगी स्टोरी वेब सीरीज के टीजर वीडियो में देखने को मिला कि किस तरह से हर्षद मेहता के 1992 वाले स्कैम के बाद देश अंदर तक झकझोर गया था, लेकिन फिर भी 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद लगा कि 1992 तो अगली फिल्म का ट्रेलर भी था। स्कैम 2003 के टीजर में एक नए बड़े घोटाले की कहानी से पर्दा उठता दिखाई दे रहा है। हालांकि कहानी को सस्पेंस के साथ सीरीज के लिए मेकर्स ने संभाल कर रखा है। वही आपको बता दें कि द तेलगी स्टोरी में उस घोटाले और घोटालेबाज की कहानी को दिखाई जाएगी जिसने नकली स्टैम्प पेपर पब्लिश किए थे। इतना ही नहीं, स्टैम्प पेपर पब्लिश करने के लिए जरूरत की मशीनें पाने के लिए इस शख्स ने 300 से ज्यादा लोगों को काम पर रखा था, जिन्होंने बैंकों, बीमा कंपनियों और कई ऐसे लोगों को धोखा दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। आपको बता दें कि द तेलगी स्टोरी 2 सितंबर से सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। वही हंसल मेहता के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म मेकर ने नेटफ्लिक्स सीरीज स्कूप के पहले क्राइम थ्रिलर फिल्म फराज का डायरेक्शन किया था। वैसे आपको कैसा लगा हंसल मेहता का ये नया सीरीज स्कैम 2003 का टीजर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।